गुड़ाबराड़ी कस्बे के मुख्य अहिंसा सर्किल पर रविवार देर रात डंपर ने टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए और केमिकल से भरे टैंकर से केमिकल का सड़क पर रिसाव होने लगा। इससे सर्किल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद गुड़ाबराड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर के ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं रागेश्वरी टर्मिनल से फायर ब्रिगेड बुलाकर केमिकल पर पानी गिराया गया। गनीमत रही कि समय पर स्थिति पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गुड़ाबराड़ी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ाबराड़ी कस्बे के मुख्य अहिंसा सर्किल पर रविवार देर रात डंपर ने टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन पलट गए और टैंकर से भरे केमिकल का सड़क पर रिसाव होने लगा। इससे सर्किल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना के बाद गुड़ाबराड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं रागेश्वरी टर्मिनल से फायर ब्रिगेड बुलाकर केमिकल पर पानी गिराया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार रात को मेगा हाईवे पर करीब 2 से 3 बजे गुजरात से जोधपुर की तरफ एसिड से भरा टैंकर जा रहा था। वहीं गुड़ाबराड़ी सर्किल मेगा हाईवे पर दुर्मिना की तरफ से आ रहे रेत से भरे डंपर ने टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। इस डंपर और ट्रेलर दोनों सर्किल पर ही पलट गए। टैंकर में भरा केमिकल मेगा हाईवे व धुरीमना रोड पर आ गया। एसिड से सर्किल पर अफरा तफरी मच गई। टैंकर ड्राइवर ने हादसे के बाद बाहर निकल गया, लेकिन डंपर का आगे का हिस्सा पिचकने से ड्राइवर निकल नहीं पाया। इसके बाद एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने टीम को बुलाकर डंपर ड्राइवर को बाहर निकाला और गुड़ाबराड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। गनीमत रही कि केमिकल में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गुड़ाबराड़ी कस्बे के सर्किल पर हादसे होने के बाद एसिड से करीब 1 किलोमीटर तक बदबू फैल गई। पुलिस ने रागेश्वरी टर्मिनल से फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने 2 फेरे कर केमिकल पर पानी डाला। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मेगा हाईवे पर जाम लगा रहा। ग्रामीण कृष्णाराम सिया के अनुसार आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं और वाहन चालक व वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं। उनकी मांग है कि रेड कॉर व प्रशासन को सर्किल को थोड़ा और चौड़ा करे, ताकि हादसों पर अंकुश लग सके।